ओके सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल टिप बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को ग्रो करा सकते हो, नए लोगों को अपने चैनल में जोड़ सकते हो, प्लस यूट्यूब के एल्गोरिथम में आ सकते हो और आपका चैनल भी कुछ इसी स्पीड से ग्रो करेगा। सो हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टैग्स ऐड कर सकते हो अपने एक यूट्यूब वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब डैशबोर्ड पे आ जाना है या फिर आप कहीं भी जाओ जहाँ पर से आप अपना YouTube वीडियो अपलोड करते हो। आपको जाना है अपने अपलोड वीडियोस के सेक्शन में और आपको अपना फाइल सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मैं फाइल सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब आपको अपना टाइटल, अपना डिस्क्रिप्शन, अपनी मतलब सारी चीज़ें जो आपको अपने वीडियो में दिखानी है वो आप लिख सकते हो। अब सिंपली आप अपने सारे एसेंशियल्स को भर लो, जो भी आपका वीडियो मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आपको एक ऐड टैग्स का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो, टैग्स बहुत तरीके से ऐड कर सकते हो। सबसे सिंपल वे तो यही है कि आप जाओगे और वहाँ पर अपने वीडियो के हिसाब से लिख दोगे अपना टैग। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीडियो का टैग या फिर ऐसा ही कुछ, ऐसा ही लिख देता हूँ। हाँ, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसका ऐसा कोई अश्योर्ड वैल्यू नहीं होता है कि ये रैंक करेगा या नहीं करेगा यूट्यूब के एल्गोरिथम में, या फिर आप ये टैग्स सही तरीके से लिख रहे हो या नहीं। तो देखो, सबसे पहला तरीका तो यही है, जैसे ये सजेस्ट कर रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ कोई भी टैग तो ये सजेस्ट कर रहा है, तो ये सिंपली आप कर सकते हो एक एक्सटेंशन की मदद से जिसका नाम है vidIQ, जिसके बारे में मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। वैसे आज का जो मेन टॉपिक है वो रैपिड टैग्स के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर रैपिड टैग्स सर्च करना है। और यहाँ पर आते के साथ आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिख जाएगा। आपको सिंपली यूज टूल्स पर जाना है। यहाँ पर एक ऐसा कुछ इंटरफेस है। अब आपकी वीडियो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है आपको वो लिख देना है। जैसे मेरी वीडियो है हाउ टू ऐड टैग्स, तो ये सारी टैग्स दे देगा आपको, सारे तरीके की जो अभी यूट्यूब के एल्गोरिथम में रैंक कर रही है। तो अगर आप ऐसे टैग्स को यूज़ करोगे तो हो सकता है आपका भी वीडियो ग्रो कर जाए। तो सिंपली आप इस अग्री बटन पर क्लिक करो और कॉपी कर लो ये सारी चीज़ें को। अब आपको यहाँ पर कंट्रोल वी करना है या फिर आप पेस्ट का भी ऑप्शन माउस से क्लिक कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो, सारे टैग्स जो वहाँ पर थे वो यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं। और ये ऐसे ही सारे टैग्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं। ये नहीं कि इसे किसी बंदे ने लिख दिया है कि ये मेरे है, ये आप कॉपी कर लो, ठीक है। और मान लो आपको कुछ हटाना है तो आप इस क्रॉस बटन पर क्लिक करो, ये रिमूव हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं, आप मतलब किसी भी टैग को एडिट भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे टैग्स हैं और सारे ही रैंक कर रहे हैं, तो मान लो मैं खुद से एक टैग ऐड कर देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मतलब मान लो किसी टैग को आपको नहीं चाहिए तो वो आप रिमूव तो कर ही सकते हो, साथ में आप एडिट भी कर सकते हो। तो मान लो मैं एक टैग खोज लेता हूँ, जैसे कि ये एक टैग है। अब मान लो मुझे इसे एडिट करना है तो मैं बस उस पर एक क्लिक करूँगा और आपका पॉइंटर उधर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख लो आपको जो लिखना है, जो सुधारना है सुधार लो। ओके सो अब बात करते हैं वो वाले एक्सटेंशन के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आप सिंपली सर्च करो vidIQ, आप इनके ऑफिशियल पेज पर चले जाओगे। आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, या तो साइन अप करना है तो करो, वरना सीधे एक्सटेंशन पर क्लिक करो और इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर दो। तो जैसा कि आपने देखा था, जैसा मेरे डैशबोर्ड पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो आपके भी डैशबोर्ड पे आने लगेगा। तो ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि भाई हमने तो अपनी वीडियो डाल ली, अब क्या करें, अब हमारी वीडियो तो वायरल नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने एडिट बटन पर क्लिक करो जहाँ पर भी आपने वीडियो डाला है, और वहाँ पर भी टैग्स का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप जो भी अपने टैग्स को मतलब बदलना चाहते हो या नया वीडियो डालना चाहते हो, मतलब नया टैग डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे अभी भी एक क्लिक हो रहा है और यहाँ पर मेरा एक वीडियो नंबर 9th पे भी रैंक कर रहा है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वो बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।